हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों, लंबे समय के बाद स्कूल खुलते हुए नज़र आ रहे थे। कोरोना का जो कहर है वो कम होता हुआ दिखाई दिया। स्कूलों में बच्चे आना शुरू हुए, चहल पहल फिर से वही पुराना। पढ़ाई का जो लेवल है, जो स्तर है, वो अपने लेवल पर आता हुआ नज़र आने लगा हुआ था। तभी सडनली फिर से दिल्ली में स्कूलों को, कॉलेजेस को, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर सबको बंद करने का आदेश दिल्ली सरकार द्वारा हमें देखने को मिला है। और ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं, ये अगले एक हफ्ते यानी कि 20 नवंबर तक ये बंद रहेंगे। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसकी रोकथाम के लिए ये स्टेप दिल्ली सरकार को लेना पड़ा। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, तो फिर क्या टीचर्स को स्कूल आना होगा? क्या गेस्ट टीचर्स की सैलरी बनेगी, क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस बंद रहेंगे, अगर मैं फोकस करूँ स्कूलों को, तो स्कूल भले बंद रहेंगे लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो वर्कशीट है, वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। हालांकि पिछले हफ्ते एक सर्कुलर आया था कि बस वर्कशीट नहीं आएंगी, बट क्योंकि स्कूल बंद हो गए तो इन जो अब वर्कशीट है इन एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। बट फिलहाल टीचर्स को वर्क एट होम, वर्क फ्रॉम होम ही करना है। टीचर्स को स्कूल बिल्कुल नहीं आना है। रही बात गेस्ट टीचर्स की, तो जब वर्कशीट आएंगी, ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी, तो गेस्ट टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। जो क्लासेज चल रही थी सेम ऐसी चलती रहेगी, बट सिर्फ स्कूल नहीं आना, बाकी सारी क्लासेस, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वो गेस्ट टीचर्स की सैलरी ज़रूर बनेगी, कटेगी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में इन्वॉल्व रहेंगे गेस्ट टीचर्स, और इनके बिना तो ऑनलाइन क्लासेज चलना मुश्किल सा लगता है। तो सबकी सैलरी बनेगी, नो डाउट। टेंशन होने की या थोड़ा सा ये इस बारे में पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह से नई नई अपडेट के लिए, एजुकेशनल, मोटिवेशनल या जो भी सर्कुलर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। नई अपडेट के साथ नई वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।